हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा भाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हम आज के इस टॉपिक में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहे हैं और रहेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, कह रहा है कौन वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक की भूमिका निभाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, कौन वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए धूल के कण, ऑप्शन बी समुद्री नमक के कण और ऑप्शन सी धुएं के कण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। अब देखते हैं कि सभी क्यों हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है। कह रहा है कौन वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए धूल के कण, मतलब धूल के कण भी निभाते हैं आर्द्रता ग्राही, और समुद्र नमक के कण, और ऑप्शन सी धुएं के कण। तो ये मतलब तीनों ही इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। कह रहा वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है, मतलब वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए संतृप्तिकरण, ऑप्शन बी आपतन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संघनन। वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है, तो वो है हमारा संघनन। संघनन के अभाव में ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, देश में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग किस रेलखंड के अंतर्गत हैं, मतलब देश के सबसे लंबे रेल मार्ग, ठीक है, रेल मार्ग किस रेल खंड के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी मध्य और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो इसका जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, कह रहा देश में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग, मतलब देश का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो किस रेल खंड के अंतर्गत आता है। तो वो रेल खंड हमारा है उत्तर रेल खंड के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आपको एक बार ऐसे समझ लेते हैं, देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग उत्तर रेल खंड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर फोर, सागरीय जल में कितने मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है, मतलब सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सागर के जल में मिलने वाला प्रमुख लवण हमारा होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl, ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारे सागर मतलब समुद्र के जल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर फाइव,
ग्रेट दक्कन कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब ग्रेट दक्कन रोड जो है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एंड उसका है, स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए कोलकाता से अमृतसर, ऑप्शन बी मिर्जापुर से बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई से मुंबई, ऑप्शन डी पठानकोट से जम्मू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिर्जापुर से बेंगलुरु। द ग्रेट डक्कन रोड हमारी मिर्जापुर से जाती है, मिर्जापुर से जाती है और बी फॉर बेंगलोर, बेंगलोर तक इसका अंत हो जाता है बेंगलोर में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दोस्तों और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है, मतलब भारत में सबसे अधिक हीरा कहाँ पे प्राप्त होता है या निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए पन्ना मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोलकुंडा कर्नाटक, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी क्विलोन केरल। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, पन्ना, हीरा को पन्ना भी बोला जाता है, पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना है, वहाँ पे पन्ना क्या है मतलब एक जगह का नाम है, पन्ना मध्य प्रदेश में है ये, एमपी में एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे पन्ना पन्ना एक जगह है, यहाँ पे हमारा हीरा सबसे अधिक प्राप्त होता है, मतलब अब पूरे भारत में सबसे अधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात में रेवकांडा खान में से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, मतलब गुजरात में रेवकांडा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए लाल पत्थर, ऑप्शन बी काला संगमरमर, ऑप्शन सी सफ़ेद संगमरमर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काला संगमरमर। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, कह रहा है गुजरात में रेवकांडा खान से, मतलब गुजरात में रेवकांडा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा काला संगमरमर, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, दिल पसंद चावल मतलब धान की फसल किस राज्य में उत्पादित होती है। अब देखिएगा धान की भी एक कई प्रजातियां होती हैं, तो उसमें से एक प्रजाति है दिल पसंद चावल, ठीक है, अब दिल पसंद चावल, ठीक, धान की फसल किस राज्य में उत्पादित होती है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। मध्य प्रदेश में दिल पसंद चावल की फसल उत्पादन होता है। अब आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार के चावल का उत्पादन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल पसंद चावल। क्वेश्चन नंबर 9, मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है, मतलब मानव जाति के लिए सबसे अधिक कौन सा वृक्ष उपयोगी है। तो ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नारियल और ऑप्शन सी चंदन,
ऑप्शन डी देवदार। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी वृक्ष हमारा नारियल है। क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? मतलब किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष नगर, ठीक है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी श्रीनगर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि बी फॉर बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कह रहा है किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है चंडीगढ़ नगर के वास्तु योग जानकार कौन थे? ठीक है, अब चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार कौन थे? तो ऑप्शन ए लुटियस, ऑप्शन बी लीकोवियर, ऑप्शन सी कोनी सबर्गर, ऑप्शन डी जॉब चार्नक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी लीकोवियर, ठीक है, लीकोवियर। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार लीकोवियर थे। क्वेश्चन नंबर 12। बिंद एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? मतलब बिंद एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा, नर्मदा नदी। बिंद एवं सतपुड़ा के पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी हमारी नर्मदा है। बिंद एवं सतपुड़ा के पर्वतों के बीच, ये मान लो बिंद है और ये सतपुड़ा है, ठीक है, तो इसके जो बीच से नदी प्रवाहित होगी वो हमारी हो जाएगी एन फॉर नर्मदा नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? मतलब देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर, मतलब देश की जो कृषि के योग्य कृषि है, हमारी खेती है, उस भाग पर सबसे अधिक किस फसल की जाती है, ठीक है, सबसे अधिक फसल कौन सी की जाती है? तो ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चावल। अब जितनी ज़मीन हमारे भारत में कृषि योग्य है, देश में सॉरी, और उस ज़मीन पे सबसे अधिक हमारा चावल होता है, यानी कि धान होता है। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम गांव किस राज्य में स्थित है? मतलब विश्व में सबसे अधिक वर्षा जहां पे होती है वो हमारा
गांव का नाम है मोसिन राम, ठीक है? क्या है? मोसिन राम। ये गांव किस राज्य में स्थित है, मतलब किस स्टेट में है? तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में एक गांव हमारा है मोसिन राम। क्या है? मोसिन राम। यहाँ पे क्या होती है? ये हमारा बादल है, ठीक है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे? मोसिन राम गांव में, मेघालय के मोसिन राम गांव में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा उपनाम से जाना जाता है, ठीक है? मतलब किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा, ठीक है, के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल। केरल जो हमारा दक्षिण दक्षिण भारत का पार्ट है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे अधिक मसाला उत्पादित होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपने नोटबुक में स्टार बनाकर अवश्य लिख लीजिएगा। कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी शिमला। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला। आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारा शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं। भारत तथा एशिया, ठीक है, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मतलब अब जो हम काजू डेली बेसिस पे यूजेस करते हैं, वो उस काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट में होता है? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में काजू सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। मतलब कहें तो भारत में सबसे अधिक काजू का उत्पादन हमारे कर्नाटक में होता है, यानी कि फर्स्ट स्थान किसका है काजू उत्पादन में? तो हमारा कर्नाटक का है। किसका? कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 19।
भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? मतलब भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन ए गुड़ एवं खंडसारी, ऑप्शन बी हथकरघा, ऑप्शन सी बर्तन निर्माण, ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हथकरघा। क्या हो जाएगा? हथकरघा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हमारा हथकरघा उद्योग है। ये किसकी देन है? तो ये हमारे परम पूज्य श्री महात्मा गांधी जी की देन है। किसकी? महात्मा गांधी जी की देन है। क्वेश्चन नंबर 20, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? मतलब उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए कच्चा माल, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी बाजार और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रम। क्या हो जाएगा? श्रम। आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है उन्नत तकनीकी के कारण लघु मुख्य उद्योग मतलब उद्योग मुख्यतः किस बिंदु के ओर आश्रित होते हैं? तो वो हमारे जो उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग होते हैं जो वो मुख्यतः श्रम की ओर होते हैं। ठीक है, कि श्रम मतलब कार्य मजदूरी मेहनत तो इसकी ओर आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकंड, क्या हो गया? यस, कह रहा है देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बैराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? मतलब देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% कितना? 86% बैराइट्स किस खनिज के उत्पादन किस मतलब खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नेफोमीटर नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर एक हमारा मीटर होता है। ठीक है, इससे किसी क्यों हम नापते हैं वो किसको नापा जाता है? तो ऑप्शन ए वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी बादलों की दिशा एवं गति, ऑप्शन सी सागरी लवणता की मात्रा, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बादलों की दिशा एवं गति। अब जो हमारे बादल की दिशा है और गति होती है, कितनी गति से चल रहे, किस तरफ बादल है, उसकी हम एक जैसे कि हम कपड़े को नापते हैं इंची टेप से, उसी प्रकार हम बादल की गति और दिशा को नापते हैं नेफोमीटर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से बच्चों ने अभी ऐसे क्वेश्चन को देखा भी नहीं होगा। तो ठीक दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने देखा है उनके लिए एक रिवीजन के तौर पे है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, मोह पैमाना स्केल में किसका मापन किया जाता है? अब देखिएगा एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नाम आपको बहुत ही कम सुने होंगे। ठीक है, जिन्होंने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई की वो भले ही मतलब देखे हों, और बाकी तो कुछ लोगों ने देखा ही नहीं होगा। कह रहा है कि मोह पैमाना किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन ए मृदा स्तरों की मोटाई, ऑप्शन बी मृदा जल की मात्रा,
ऑप्शन सी चट्टानों की कठोरता, ऑप्शन डी मृदा में अम्लीयता की मात्रा। तो दोस्तों इससे जो हमारा मापन होता है वो होता है चट्टानों की कठोरता। चट्टानों की कठोरता हम नापते हैं मोह पैमाना के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रात खनिज स्ट्रेटजिक मेटल मिनरल्स किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लौह धातु, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी सोना तथा हीरा, ऑप्शन डी परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज। क्या हो जाएगा? परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रातजनिक खनिज किसको कहा जाता है? तो परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को हमारा स्त्रातजनिक खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? ठीक है, आजकल हमारे वनों की कटाई हो रही अंधाधुंध, जिससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की समस्या इसका मेन कारण जो हमारा है वो यही है कि वनों की कटाई हो रही है, जिससे कि ऑक्सीजन यहाँ पे उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए और पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन हैं? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी वन महोत्सव के जन्मदाता के एम मुंशी जी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभात स्टडी अड्डा, जैसे ही आप अपने सर्च बॉक्स में प्रभात स्टडी अड्डा चैनल पर सर्च करेंगे सबसे ऊपर चैनल हमारा ही आपको दिखेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को कमेंट भी करिएगा साथ ही। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा। दोस्तों आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा मोटिव होगा। ठीक है, तो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।